2017 में माई लकी .com की मतगणना में एक विशेष पेशकश कौन बना सिकंदर, और कौन बना सिकंदर में आज सबसे आठवें प्रत्याशी के विजेता के रूप में हमारे साथ हैं गोला विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए भाजपा के अरविंद गिरी जी। हम उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा, कैसा माहौल लग रहा। बहुत बढ़िया है। जाओ थोड़ा संदीप, गोला की महान जनता का आशीर्वाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रसाद, सब चारों तरफ खुशी खुशी है। चलिए चारों तरफ खुशी है। गिरी जी, आपको इस चुनाव में लगभग 49% वोट मिले। पिछली बार इस 2012 के चुनाव में भाजपा को यहां से केवल 3.88 यानी कि 4% से कम वोट मिले थे। ये उपलब्धि जो भाजपा के वोट में आई है आपके क्षेत्र में, आप इस उपलब्धि को किसकी मान रहे हैं? आप की मान रहे हैं, पार्टी की मान रहे हैं, किसकी? सबसे बड़ी उपलब्धि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, दूसरा समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से जनता का। आपने सपा में भी रहे, कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, बसपा से भी लड़े, भाजपा ने आपको अपने घर में जगह दी, ताज पहनाया, कैसा लग रहा है? आत्मिक सुख मिला है यहाँ से। विधानसभा चुनाव 2017 की मतगणना पूरी होने के साथ ही विधानसभा 2017 की कार्रवाई आज पूर्ण हो गई। आज लखीमपुर में 8 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने जीत हासिल कर एक नया इतिहास रचा है, और आज जो जीत हासिल हुई है उसमें 52% तक के वोट जो है भाजपा के खाते में किसी विधानसभा में निघासन विधानसभा क्षेत्र में गए हैं। भाजपा की सीट जीत से जहां भाजपाइयों में बहुत उत्साह है, वो उत्तर प्रदेश तक जो उनको परिणाम मिलने काफ़ी उत्साहित हैं। आज की मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई और भारी सुरक्षा व्यवस्था भी इस मौके पर रही। आज इस पूरे कौन बना सिकंदर में माई लखीमपुर खीरी .com की पेशकश में हम आभार व्यक्त करेंगे अपने सभी उन शुभचिंतकों का, और अपने हमको उत्साहित करने वाले और हमसे लगातार जुड़े रहने वाले और देखने वाले सभी दर्शकों का, जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया और हमारा सहयोग किया। आज मंडी समिति गेट से अपनी इस मतगणना के साथ हम 2017 से के चुनाव से विदा लेते हुए इस गेट को जब देखते हैं तो ये गेट फिर यही कहते बोलता है, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। लखीमपुर का चुनाव शांतिपूर्ण रहे, हमेशा शांति बनी रहे, यही हमारी कामना है। माई लखीमपुर खीरी .com के लिए संजीव पाहवा, साथी राजेश शर्मा के साथ, धन्यवाद।